हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। चाहे विंटर हो, रेनी सीजन हो या फिर समर सीजन, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करती है। डार्क स्पॉट के दाने सभी को ख़त्म कर आपको ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हाथों पैरों के साथ साथ आप इसका इस्तेमाल फेस पे, फुल बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपकी स्किन पे वाइटनिंग का काम करती है, ब्राइटनिंग का काम करती है, आपको फ्लॉलेस स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड सारी की ही चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा अमेजिंगली वर्क करती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर करा करें, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया है, उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बॉयल्ड राइस। गाइस, बॉयल्ड राइस के हमारे स्किन पे अमेजिंग बेनिफिट है, तो आपने जो है 1 से 1.5 चम्मच के करीब जो है बॉयल्ड राइस को ले लेना है। घर में रोज चावल तो पकते ही होंगे, तो उसमें से जो है 1.5 चम्मच के करीब आपने बॉयल्ड राइस को ले लेना है। अच्छा गाइस, ये जो है अमेजिंगली वर्क करता है आपके स्किन पे, और उसके बाद इसको जो है अच्छी तरीके से हम ग्राइंड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे मेरे पास रोज़ वाटर अवेलेबल नहीं है तो मैं नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच जो है हमने नॉर्मल वाटर को इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। गाइस, राइस जो है उसके अमेजिंग बेनिफिट है हमारे स्किन पर कर लिया है। राइस के अमेजिंग बेनिफिट है हमारी स्किन पे। गाइस, हम सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बहुत बार एक्ने, डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल, और जो है ग्लो जैसे खत्म हो जाता है। डे बाय डे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल, बेजान सी हो जाती है, उसमें ये अमेजिंगली वर्क करता है। अगर आपको जिद्दी सी टैनिंग जमा हो गई हो, या फिर जो है अगर आपकी स्किन डल बेजान सी हो गई हो, तो उसमें भी ये अमेजिंगली वर्क करता है। तो जो है सबसे जो अच्छी चीज़ है, जब भी हमारे घर में राइस बनते हैं उसमें से बस 2 चम्मच हमने निकालने हैं, उसको ग्राइंड कर लेना है। अमेजिंग वर्क करता है। इसके जो है अमेजिंग बेनिफिट होने के साथ साथ ही आपके स्किन में नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। महंगे से क्रीम या फिर फेशियल का भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी बाउल को ले लिया, उसके बाद छन्नी की मदद से जो है हम राइस का जो है ये अच्छी तरीके से हम इसको छान लेंगे। हम बेसिकली एक सीरम की तरह इसको प्रिपेयर करेंगे ताकि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए इसको अप्लाई करने में। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल बेजान सी हो गई है तो ये इसमें अमेजिंगली वर्क करने के साथ साथ जो है आपको नेचुरल एंड फ्लॉलेस स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अच्छी तरीके से जो है हमको छन्नी की मदद से इसको छान लेना है। तो अच्छी तरीके से जो है छन्नी की मदद से जो है हम इसको छान लेंगे। आप चाहे तो जो है कपड़े की मदद से भी इसको छान सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नेचुरल जो है सीरम की तरह आपकी स्किन में भी काम करेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करता है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे विटामिन ई ऑयल। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आपने वही डालना है। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने वही डाला है। ग्रीन कलर की कैप्सूल भी आती है, आप वही वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने यही डाला है। जो विटामिन ई ऑयल होता है ना, ये आपकी स्किन की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। 2 से 3 ड्रॉप ही इसमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि विटामिन ई ऑयल जो होता है ये हमारी स्किन की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। और ये सिर्फ आपके फेस के लिए नहीं है, आपके हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है तो उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर जो है 2 से 3 ड्रॉप को जो है हमने इसमें अच्छी तरीके से ऐड करना है, एंड देन इसको सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें ग्लिसरीन को ऐड कर लेंगे। ग्लिसरीन जो है उसके भी 2 से 3 ड्रॉप हम इसमें ऐड करेंगे। ग्लिसरीन जो है वो भी आपकी स्किन की हेल्थ को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, नेचुरल मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, आपको ग्लो प्रोवाइड करता है, और आपकी स्किन में बहुत ज्यादा सॉफ्ट आपकी स्किन को बनाता है। नेचुरली जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे जो है 5 से 6 ड्रॉप आधा चम्मच के करीब जो है हम ग्लिसरीन को इसमें ऐड कर लेंगे, और ये सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के हमारे स्किन पे अमेजिंग बेनिफिट है। आपके पास जो भी ऑयल हो, वो जो आपको सूट करता हो, आपने उसका इस्तेमाल करना है। लाइक आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल। मेरे पास कोकोनट ऑयल था, एंड सबसे जो अच्छी चीज़ है, कोकोनट ऑयल मुझे बहुत अच्छी तरीके से सूट करता है। तो 2 से 3 ड्रॉप ही जो है हम इसमें ऐड करेंगे। कोकोनट ऑयल नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है, यानी हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करने के साथ साथ जो है ड्राइनेस को ख़त्म करता है, टैनिंग को
ख़त्म करता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी सीजन्स बदलते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई पैचेस ही हो जाती है, उसमें भी ये नेचुरल मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। एंड गाइस, सबसे अच्छे रिजल्ट पाने के लिए जो है आप इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार कर सकते हैं, रात में सोते वक्त एंड जो है सुबह मॉर्निंग में फेस वॉश करने के बाद। गाइस, अमेजिंग रिजल्ट है इसके, बहुत ही ज़्यादा जो है ये इफेक्टिव है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत टाइम इसको इस्तेमाल किया है, उसके बाद ही ये रेमेडी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है, अच्छी तरीके से अपने हाथों पैरों को फेस को क्लीन करना है एंड देन जो है ड्रॉप ड्रॉप करके इस तरीके से आपने इस तरीके से डालना है एंड जो है अच्छी तरीके से जो है 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से जो है 2 से 3 मिनट जो है मसाज करनी है ताकि आपकी स्किन में जो है अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत अच्छे रिजल्ट पाने के लिए जो है आप इसका इस्तेमाल जो है रात में ज़रूर से करें। यहाँ पे मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया है, उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी बॉइल्ड राइस 2 से 3 चम्मच। गाइस, बॉइल्ड राइस के हमारे स्किन पे बहुत सारे बेनिफिट है, अमेजिंग बेनिफिट है। तो यहाँ पे जो है 2 से 3 चम्मच जो है मैं बॉइल्ड राइस को इसमें ऐड कर लूंगी। बॉइल्ड राइस जो है हर किसी के घर में पकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करते हैं एंड सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी टैनिंग को कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है। राइस में होता है एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट एंड मिनरल एंड सबसे जो अच्छी चीज़ है ये आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, लाइटन करता है। अगर आपकी स्किन जो है सन से डैमेज हो गई है या फिर बहुत ज़्यादा जिद्दी से टैनिंग है उसको भी ये ख़त्म कर देता है। स्किन को जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करता है एंड स्किन जो है बहुत ज़्यादा नेचुरली ग्लो करने लगती है। आपकी स्किन को नेचुरली जो है ग्लो करने के साथ साथ जो है हेल्दी जो है रेडियंट ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो है 2 से 3 चम्मच जो है मैंने बॉइल्ड राइस को ले लिया है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी पोटैटो छिलके समेत। गाइस, पोटैटो जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसमें जो है ब्लीच से भी ज़्यादा गोरा निखार करने की ताकत है। इसमें होता है पोटैटो में होता है एंटीऑक्सीडेंट, ये आपकी स्किन को हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करता है, नेचुरली जो है ग्लो जो है अंदर से जो नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को रेडियंट एंड फ्लॉलेस बना देता है एंड ये जितना भी डर्ट है टैनिंग है कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है। पोटैटो में होता है ब्लीच से भी ज़्यादा गोरा निखार करने की ताकत एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है ना कि आप में चाहे जितने भी आपके स्किन पे टैनिंग हो डर्ट हो कम्प्लीटली उसको ख़त्म कर ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो है पोटैटो हाफ पोटैटो को जो है मैंने अच्छी तरीके से कट करके अच्छा जी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो। टोमेटो भी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। टोमेटो जो है चाहे जितनी भी टैनिंग है डल सी स्किन है बेजान सी स्किन है उसमें टोमेटो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली बेनिफिट जो है करता है एंड आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, इरिटेशन को ख़त्म करता है, डीले करता है साइंस ऑफ एजिंग को, आपके पोर्स को टाइटन करता है। टोमेटो के अमेजिंग बेनिफिट है हमारी स्किन के लिए। अगर आपको ओपन पोर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टोमेटो जो है उसको भी मिनिमाइज करता है एंड डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, एक्सेस जो है पोल्यूशन डर्ट को जो है ख़त्म कर देता है एंड जो है आपकी स्किन को ग्लोइंग फ्लॉलेस रेडियंट बनाने के साथ साथ जो है हेल्दी ग्लोइंग प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो है एक छोटू सा टोमेटो है उसको जो है मैंने कट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको दरदरा रखा है, अच्छी तरीके से इसको जो है ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी बाउल को ले लिया है। इफेक्टिव है आपकी टैनिंग को कम्प्लीटली ख़त्म कर आपको ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन देने के साथ साथ जो है अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल बेजान सी हो गई है तो उसमें जान ऐड करता है ना, आपकी स्किन को जो है नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको अच्छी तरीके से दरदरा पीस लिया है। उसके बाद हम इसमें हाफ लेमन ऐड करेंगे। गाइस, लेमन के हमारी स्किन पे अमेजिंग बेनिफिट है, चाहे जितनी भी सालों पुरानी टैनिंग है उसको ख़त्म कर देता है एंड जो है ये आपकी लेमन जो है आपकी स्किन की ब्राइटनिंग के लिए स्किन की लाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करता है। लेमन में होती है तेज़ी से मैल काटने की सलाहियत, तो यहाँ पे जो है कुछ कतरे जो है मैं लेमन के इसमें ऐड कर लूंगी एंड जो है लेमन को आपने स्किप नहीं करना है। लेमन के अमेजिंग बेनिफिट है हमारी स्किन के लिए। अगर तो आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप स्किप कर सकते हो। सारी ही चीज़ों को जो है हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है एंड इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले अपने क्लीन हाथों पे पैरों पे जो है फेस पे फुल बॉडी पे नेक पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो है सबसे पहले
क्लीन हाथों पे, पैरों पे, फेस पे जो है आप इसको अप्लाई करना है एंड देन जो है 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से रब करना है। जितना भी डर्ट है, टैनिंग है, कालापन है, पहली बार में जो है ख़त्म कर देता है। एंड जो है सबसे अच्छी चीज़ है, जो काली गर्दन हो जाती है, जिद्दी सी जो है गर्दन हो जाती है, जो कालापन निकलने का नाम नहीं लेती है, जो फीट पर हमारे चप्पल के निशान हो जाते हैं जो बिल्कुल ही निकलने का नाम नहीं लेते, जहाँ पर हम सैंडल पहनते वो तो ठीक रहता है लेकिन जो उसके निशान होते हैं वो बहुत ज्यादा जिद्दी से होते हैं, जो बिल्कुल ही निकलने का नाम नहीं लेते, तो उसको भी ये बहुत ही इजीली खत्म कर देता है। गाइस सी द डिफरेंस, बहुत ज़्यादा अमेजिंगली वर्क करता है। जितना भी टैनिंग है उसको ख़त्म कर ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन देने के साथ साथ जो है आपकी स्किन को एक नेचुरल रेडिएंट ग्लो प्रोवाइड कर। आई होप कि वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। अगर ऐसा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करा करें और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोज़।